So now today's topic is nanofluids and its applications. Okay, so in this we will be covering about what is nanofluid, why we use it. Okay, what is the how the nanofluids are prepared. Okay, what are the thermophysical properties of nanofluids and the application of नैनोफ्लूइड. ओके, तो अब बस पूरा वीडियो कर देखो ये अच्छे से. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आपके आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है. ओके, नाउ दिस टॉपिक्स आर नॉट इन एनी सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, बट एज अ इंजीनियर यू मस्ट नो कि वॉट आर नैनोफ्लूइड्स. ओके, सो वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. नाउ आई कैन नॉट शो एवरीथिंग इन पीपीटी. ओके, तो मैं कुछ बोलने भी वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो, क्योंकि मेरा एक 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 वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. ओके, तो स्किप मत करो वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. नैनो फ्लूइड्स, नैनो फ्लूइड इज अ फ्लूइड इन विच नैनो पार्टिकल्स आर एडेड इन अ बेस फ्लूइड. ओके, सो नैनो फ्लूइड हम तब बोलेंगे कि जब आप नैनो पार्टिकल को एक बेस फ्लूइड में ऐड करोगे तब. ओके, दिस फ्लूइड्स आर इंजीनियर्ड कोलाइडर सस्पेंशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन द बेस फ्लूइड. नैनो पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 10 to 1000 नैनोमीटर इन साइज. ओके, द नैनो पार्टिकल्स यूज इन नैनो फ्लूइड्स आर टिपिकली मेड अप ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स और कार्बन नैनो ट्यूब. ओके, नाउ दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, दैट इज जिंक ऑक्साइड ZnO, कॉपर ऑक्साइड CuO एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. ओके, वाई सम मेटल नैनो पार्टिकल्स आर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में भी. ओके, सो एंड द कॉमन बेस फ्लूइड्स इंक्लूड वाटर, इथिलीन ग्लाइकोल एंड ऑयल. सो जब आप कॉम्बिनेशन करोगे बेस फ्लूइड विथ नैनो पार्टिकल, तो आप जब कौन सा भी बेस फ्लूइड लोगे और उसमें एक नैनो पार्टिकल कौन सा भी मेटल ऑक्साइड या फिर एनी फॉर्म का डाल दोगे, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ अ नैनो फ्लूइड. ओके, नाउ वाई इट इज़ यूज. ओके, तो हमने तो सीख लिया कि नैनो फ्लूइड क्या रहता है, पर ये क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस इज दिस नैनो पार्टिकल यू कैन से और नैनो फ्लूइड इज रिलेटेड टू सम वॉट हीट ट्रांसफर. ओके, सी नैनो पार्टिकल एग्जिबिट एनहांस थर्मल कंडक्टिविटी एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट, दैट इज एच. ओके, कंपेयर टू बेस फ्लूइड. सिर्फ बेस फ्लूइड से हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा एनहांस नहीं होगा, जब आप उसमें नैनो पार्टिकल डालोगे तब आपका हीट ट्रांसफर रेट एनहांस हो जाएगा. ओके, नाउ रीजन सी क्यों ऐसा होता है. अगर हमने मेटेलिक नैनो पार्टिकल यूज़ किया, ओके, तो मेटेलिक मेटल का तो हमको पता है कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है. ओके, इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, सो इट एनहांस हीट ट्रांसफर रेट. ओके, नाउ सेकेंड रीजन इज नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कि जैसे लास्ट के स्लाइड में देखा हमने, इट्स रेंज इज बिटवीन 10 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर. ओके, नाउ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. ओके, सो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है हमारा, इट बिकम्स लार्ज. ओके, तो सरफेस एरिया तुम्हारा बढ़ जाता है. ओके, एंड एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस हीट ट्रांसफर रेट ऑल्सो इंक्रीज. ओके, सो नाउ दिस इज न्यूटन्स कूलिंग लॉ, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल टी, हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू इट इज योअर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट. ओके, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट, दिस इज सर्फेस एरिया एंड दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस. अगर फिर तुम्हारा ये सर्फेस एरिया ए बढ़ गया तो ऑब्वियसली कि तुम्हारा क्यू भी बढ़ जाएगा. ओके, तो इसलिए सर्फेस एरिया ज़्यादा रहने के कारण तुम्हारा थर्मल हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है. ओके, और तीसरा रीज़न ये है कि नैनो पार्टिकल का जो भी है उसका स्पेसिफिक हीट, ओके, दैट इज एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये भी हाई रहता है. ओके, जो हम इसको CP से डिनोट करते हैं. ओके, स्पेसिफिक हीट, तो इसका भी रिलेशन है Q इज इक्वल टू MCP डेल टी, तो ऑब्वियस है कि CP अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा Q भी बढ़ जाएगा. ओके, तो ये तीन रिजोर्स के कारण हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई सरफेस एरिया एंड हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट नैनो फ्लूइड्स इज यूज. ओके, नैनो पार्टिकल्स आर यूज इन फ्लूइड एंड सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज नैनो फ्लूइड. नाउ वी विल गो फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ नैनो फ्लूइड्स. ओके, नाउ देर आर टू मेथड, द फर्स्ट वन इज टू स्टेप मेथड. ओके, ये मेथड में क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल जो कि ड्राई फॉर्म में, ड्राई पाउडर के फॉर्म में, ओके, सबसे पहले तो उसको आप बेस फ्लूइड में ऐड करते हो विथ अल्ट्रा, और उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स यूज करते हो उसमें स्टर करने के लिए. ओके, इससे क्या होता है, कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन के कारण एग्लोमरेशन नहीं होता पार्टिकल का. नाउ एग्लोमरेशन मीन्स वो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाते. ओके, उसको कंटिन्यूस वाइब्रेशन मिलता है, तो इससे वो पूरा एक फॉर्म में अच्छे से मिक्स हो जाता है नैनो पार्टिकल बेस फ्लूइड में. ओके,
तो इसलिए ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स यूज़ करते तो जिसके कारण एग्लोमरेशन ना हो। तो इसमें सिर्फ जो ड्राई पाउडर है नैनो पार्टिकल का वो बेस फ्लूड में ऐड कर देते ओके, और इसको वाइब्रेट करते हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस ओके फॉर प्रोड्यूसिंग नैनो फ्लूड्स एज दे आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। तो टू स्टेप मेथड से लार्ज स्केल अपने को नैनो फ्लूड मिल जाएगा ओके। एंड इट इज ये जो प्रोसेस है इससे ऑक्साइड पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स जो है जो वो फॉर्म किए जाते हैं ओके। नाउ सेकेंड वन इज वन स्टेप मेथड। अभी इन वन स्टेप मेथड में इट इज अ साइमल्टेनियस इट द प्रोसेस साइमल्टेनियसली मेक्स एंड डिस्पर्सेस नैनो पार्टिकल्स डायरेक्टली इनटू बेस फ्लूइड ओके। दिस प्रोसेस इज फेवरेबल बिकॉज इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ड्राइंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन इज अवॉइडेड इन दिस मेथड ओके। तो जैसे कि टू स्टेप में पहले हम उसको ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बेस फ्लूइड के साथ मिलाते हैं ओके। तो इस वन स्टेप मेथड में हम ऐसा नहीं करते, इसको डायरेक्टली डिस्पर्स कर देते ये जो है ड्राइंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन उसका जो भी है वो अवॉइड कर देते हम और डायरेक्टली बेस फ्लूइड में डिस्पर्स कर देते। तो इससे होता क्या है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता नैनो फ्लूइड्स का ओके, और इससे अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है और एग्लोमरेशन भी नहीं होता और इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ओके। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नैनो फ्लूइड। नाउ देयर आर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो फ्लूइड्स ओके। द फर्स्ट वन इज विस्कोसिटी ओके। नाउ विस्कोसिटी इन जनरल इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स फॉर दी फ्लूइड ओके, ये तो हमने FMA पढ़ी लिया है। एंड हेंस इट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ऑल हीट ट्रांसफर एप्लीकेशंस। द विस्कोसिटी ऑफ नैनो फ्लूइड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द एज थर्मल कंडक्टिविटी इन डिजाइनिंग नैनो फ्लूइड्स फॉर हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। सिंस द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ड्रॉप दैट डिपेंड ऑन विस्कोसिटी इंक्रीजेस पंपिंग पावर। तो विस्कोसिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप है ओके इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, क्योंकि पंपिंग पावर जो तुम्हारा है वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो तुमको ज़्यादा पंपिंग पावर लगेगा ओके। तो फर्दर मोर द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विस्कोसिटी ओके। सो विस्कोसिटी प्लेज मेजर रोल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो फ्लूइड्स ओके। नाउ दीज आर द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ओके, नैनो पार्टिकल साइज ऑन विस्कोसिटी ओके। नाउ दीज आर सम रिजल्ट आई हैव टेकन फ्रॉम दी जर्नल्स ओके, फ्रॉम रिसर्च पेपर। सो लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन नैनो फ्लूइड्स बिकेम डिबेट सिंस कॉन्ट्ररी फाइंडिंग्स वर पब्लिश बाय द रिसर्चर्स ओके। नाउ देर आर डिफरेंट रिजल्ट फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो फ्लूइड ओके। तो सो द फॉर द नैनो फ्लूइड ऑफ Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर ओके। सो व्हेन योर पार्टिकल इज Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल एंड योर बेस्ट फ्लूड इज वाटर एंड सेम नैनो फ्लूड ऑफ TiO2 नैनो पार्टिकल प्लस बेस्ट फ्लूड एज वाटर, लार्जर द पार्टिकल साइज हायर द विस्कोसिटी वॉज ऑब्टेंड ओके। सो रिजल्ट्स वेयर फॉर दिस टू नैनो फ्लूड वेयर अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहेंगे ओके इन दिस टू केसेस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर द नैनो फ्लूड ऑफ Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस बेस्ट फ्लूड ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड दी कॉपर प्लस वाटर ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर डिक्रीज इन नैनो पार्टिकल साइज इंक्रीजेस नैनो फ्लूइड्स ऑफ विस्कोसिटी ओके। सो दिस बोथ आर कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स ओके। सो एक में कभी हायर विस्कोसिटी होगा, एक में विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा ओके। सो देयर इज नॉट एनी डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन रिलेटेड टू इट ओके। एक ऐसा फिक्स रिलेशन नहीं कि इससे कमी होगा इससे ज़्यादा ही होगा ओके। क्योंकि जब आप बेस फ्लूइड और तुम्हारा नैनो पार्टिकल का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा ओके। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ओके। इसमें भी अभी कॉन्ट्रडिक्शन है टेम्परेचर केस में। अगर बेस फ्लूड तुम्हारा इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर है विथ CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड एंड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल और या फिर SiO2 दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड ओके। इट वॉट इट डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट विस्कोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ राइज इन टेम्परेचर ओके। इधर डिक्रीज हो गया एंड इन कॉन्ट्राडिक्टोरी टू दैट टू अबव वाटर बेस्ड कार्बन नैनोट्यूब नैनो फ्लूइड शो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ओके। तो इसमें तुम्हारा विस्कोसिटी डिक्रीज हो गया जब आपने ये कॉम्बिनेशन यूज किया और इसमें तुम्हारा विस्कोसिटी बढ़ गया ओके। तो नैनो फ्लूइड्स में एक ऐसा कौन सा भी फिक्स रिलेशन नहीं रहता या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से बदलने वाला है ओके। तो आप क्या कॉम्बिनेशन लेते हो, आप नैनो पार्टिकल कौन सा लेते हो, उसमें बेस फ्लूइड कौन सा ऐड करते हो या फिर आपका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कितना है या फिर पार्टिकल साइज क्या है ओके। सो दीज ऑल मैटर्स इन विस्कोसिटी ऑफ द नैनो फ्लूइड्स ओके।
नाउ द सेकेंड वन इज थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, द एनहांस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो फ्लूइड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑफ नैनो फ्लूइड. हेंस इट इज इम्पेरेटिव टू स्टडी अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो फ्लूइड टू डिजाइन गुड हीट एक्सचेंज फ्लूइड. ओके, अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नैनो पार्टिकल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को हीट ट्रांसफर रेट एनहांस करना है. ओके, एंड थर्मल कंडक्टिविटी प्लेस मेजर रोल इन दैट. ओके, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल मटेरियल ओके ऑन दी थर्मल कंडक्टिविटी, वी विल से दैट. ओके, सिल्वर नैनो फ्लूइड हैज हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कंपेयर टू अदर नैनो पार्टिकल. ओके, क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का बहुत ज़्यादा है, तो पूरा हीट ट्रांसफर रेट बहुत एनहांस होता है, नियर अबाउट 40%. ओके, एंड नाउ द सेकेंड वेर इज कॉपर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल कॉजेज मोर एनहांसमेंट दैन Al2O3 पार्टिकल्स दो दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना इज हायर दैन द कॉपर ऑक्साइड. ओके, नाउ ये जो है मैंने ये जनरल पेपर से इंफॉर्मेशन लिया है. ओके, डिफरेंट रिसर्चर से मैंने ये इंफॉर्मेशन मतलब जर्नल पेपर पढ़ के निकाला है. ओके, तो अभी आप इधर एक देख सकते हो कि दो दी एल्यूमिनियम हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी दैन कॉपर ऑक्साइड, पर फिर भी उसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो एल्यूमिनियम का कम रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक प्रॉब्लम है कि वो उसका पार्टिकल्स का एग्लोमरेशन बहुत होता है. ओके, वो सेटल हो जाते हैं नीचे पार्टिकल्स. ओके, अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते बेस फ्लूइड के साथ, और अगर तुम्हारा एग्लोमरेशन ज़्यादा हो रहा है तो तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा. अभी भले ही एल्यूमिनियम का जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, पर एग्लोमरेशन के कारण उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा. नाउ द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, फ्रॉम दी 10,000 नैनोमीटर नैनो फ्लूइड, ओके, कॉपर प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, दिस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर नैनो पार्टिकल साइज वॉज 10 नैनोमीटर. इट इज कंक्लूडेड दैट स्मॉल पार्टिकल्स एनहांस हीट ट्रांसफर रेट. ओके, तो बट इफ द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इज टू स्मॉल देन एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस एंड अगेन थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. ओके, तो अगर कम रहेगा तुम्हारा साइज तो हीट ट्रांसफर रेट एनहांस ही होना है, पर अगर बहुत ही कम है तो जैसे कि मैंने बोला एग्लोमरेशन का एक बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो फिर पंपिंग पावर भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा. ओके, और इसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, और फिर एट द एंड जो तुम्हारा हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाएगा. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ पार्टिकल शेप, नैनो पार्टिकल शेप ऑन थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, नाउ दीज आर इन्वेस्टिगेशन ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ SiC, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड नैनो पार्टिकल ऑफ स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल शेप वॉज डन. ओके, द रिसर्च वॉज डन ऑन दिस टू शेप्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड नैनो पार्टिकल. ओके, फ्रॉम रिजल्ट इट इज एविडेंट दैट सिलेंड्रिकल नैनो पार्टिकल प्रोवाइड हायर थर्मल कंडक्टिविटी दैन स्पेरिकल पार्टिकल्स. ओके, तो सिलेंड्रिकल का नैनो पार्टिकल्स का ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है दैन स्फेरिकल पार्टिकल्स. ओके, नाउ दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ नैनो फ्लूइड. तो हमने तो पहले देख ही लिया कि नैनो फ्लूइड्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, पर अभी दीज आर वेरी एप्लीकेशन कि किधर यूज़ कर सकते हैं हम ये नैनो फ्लूइड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी कार्स या फिर कुछ भी ले लो आप, ट्रक्स वगैरह. तो इसमें क्या होता है, कंबशन जो होता है जिसका एयर और फ्यूल का, वो उसके कारण हीट जनरेट होता है. ओके, जो एनर्जी जनरेट होती है उससे हमारी बाइक या फिर कार जो भी है वो चलता है. ओके, तो उससे जो हीट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसके कारण इंजन के पार्ट्स में स्ट्रेस डेवलप होता है. ओके, वो मेटल्स अगर वो हीट अच्छे से तुमने निकाली नहीं बाहर, ओके, और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो फिर स्ट्रेसेस आ जाएंगे तुम्हारे इंजन पार्ट्स के अंदर, या फिर वीकनिंग ऑफ मेटल्स हो जाएगा. ओके, या फिर वेयर एंड टेयर ऑफ मेटल्स हो जाएगा. ओके, तो इसमें हम अगर जो बेस कूलेंट तो ऑलरेडी रहता है हमारे, जो रेडिएटर रहता है कार्स में. ओके, हीट एक्साइटर, हीट एक्सचेंजर, और उसमें भी कूलेंट रहता है, और वो कूलेंट अभी पुराने ज़माने में वो तो वाटर यूज़ करते हैं, अभी वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं. ओके, पर अगर इसमें भी हमने नैनो पार्टिकल डाल दिया, ओके, तो उससे हमारा कूलिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा. ओके, हीट ट्रांसफर रेट एनहांस हो जाएगा. तो इस पर भी बहुत रिसर्च पेपर है, बाय यूजिंग दी नैनो पार्टिकल्स एज Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दी बेस फ्लूइड ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. ओके, सो फ्रॉम द रिजल्ट इट वॉज ऑब्जर्व दैट 40% हीट ट्रांसफर रेट वॉज ऑब्जर्व. ओके, सो वी कैन यूज नैनो पार्टिकल्स इन कूलंट. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग. Now the power density of integrated circuit and microprocessors has increased in recent years. Okay, high performance computer dissipate high power in the range of 100 to 300 watt per centimeter square. Okay, जो कि
स्मार्ट कंप्यूटर्स होते हैं ओके, या फिर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर, इनमें बहुत हीट जनरेट होता है, लगभग 100 to 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, अभी एग्जिस्टिंग तो है कि एयर कूलिंग से हम कूलिंग करवाते हैं ओके, बट ये भी वो एक लिमिट तक रीच हो गया ओके, इससे आगे तो और कूल नहीं कर सकते अपन। तो इसमें अपन कूलेंट यूज़ कर सकते हैं ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये कूलेंट मतलब आपका नैनो फ्लूइड रहेगा, जिसमें कुछ नैनो पार्टिकल्स और बेस फ्लूइड रहेगा ओके। सो देर इज ऑल्सो सम रिसर्च पेपर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग ओके, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन सी दैट ऑन एल्सवेयर जर्नल ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नैनो फ्लूइड। आई होप यू लाइक दी वीडियो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ओके। थैंक यू।